एक मेला लगा था। मेला मेला में एक सेठ गए, सेठानी को लेके साथ में। तो सेठानी खो गई उनकी, अब बड़े परेशान। खूब अनाउंस कराया, सेठानी नहीं मिली, तो बड़े निराश हो गए। देखा सामने राम जी का मंदिर है, हमारे ठाकुर जी का भव्य मंदिर बना था। पुजारी ने कहा कि भगवान से अनुनय विनय करो, आके जाओ प्रसाद ले आओ लड्डू का 1 किलो। सुबिचारा बड़ा दुखी कि बुढ़ापे में सेठानी खो गई। लड्डू ले आया, पुजारी ने कहा दक्षिणा और रखो 501। अब पुजारी अपने चक्कर में रहे। अच्छा सामने ही हनुमान जी का मंदिर था। उस पुजारी ने कहा कि बड़ा घाटा हुआ जा रहा, 1 किलो लड्डू 500 रुपया उधर ही चले जा रहे। उसने कहा जजमान इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, उधर नहीं चढ़ेगा लड्डू राम जी पे, इधर चढ़ाओ 501 रुपया लड्डू। अरे बोले तुम इधर उधर लगाए, हम तो बहुत परेशान है, सेठानी खो गई है। पुजारी जो हनुमान जी के मंदिर पर बैठा था उसने कहा कि बड़े भैया तुम बेकार परेशान हो रहे, वहां भले ही तुम चढ़ा दो लेकिन सेठानी नहीं मिलेंगी। क्यों? उसने कहा जब इनकी बाली खो गई थी तो इनने अपनी खुद नहीं ढूंढ पाई, हमारे वालों ने ढूंढी उनकी। हाँ तो उसको विश्वास हो गया, सही कह रहा पुजारी, इतने खुद अपने नहीं ढूंढ पाई, हमारी का ढूंढेंगे, ये वाले भगवान ढूंढ लेंगे। सो हनुमान जी के मंदिर में उसने भोग लगाया, पूरा विश्वास ये वाले ढूंढ के ले आएंगे। अब परिक्रमा करने लगे, परिक्रमा सो परिक्रमा ही में बैठी सेठानी मिल गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की हो, बिन विश्वास भगत नहीं, तही बिन द्रवहीन राम। हमारे यहाँ परिक्रमा करने का भी एक नियम है, कभी हम मंदिर में जाएं तो मंदिर में परिक्रमा जरूर करें। अच्छा किसका कितना परिक्रमा करना चाहिए लिख लीजिए। भगवान सूर्य का अगर मंदिर है तो उनकी 7 बार परिक्रमा करनी है, भगवान सूर्य की 7 बार परिक्रमा करनी है। श्री हनुमान जी का मंदिर है तो 3 बार परिक्रमा करनी है हनुमान जी की, राम जी का मंदिर है तो 4 बार परिक्रमा करनी है, भगवान गणेश का मंदिर है तो 3 बार परिक्रमा करनी है, राम जी कृष्ण जी और भगवान विष्णु इन तीनों देवताओं का अगर कहीं मंदिर है तो 4-4 परिक्रमा करनी है, गणेश जी हनुमान जी का मंदिर है तो 3 परिक्रमा करनी है, माता भगवती का दुर्गा का मंदिर है देवी का तो 1 परिक्रमा करनी है, और शंकर भगवान का मंदिर है तो आधी परिक्रमा करनी है। सबसे शॉर्ट में भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। दानी कहूं शंकर सम नाही, सबसे कम इफर्ट अगर किसी के लिए करना है तो भोले बाबा के लिए, उनका सामान भी वैसा ही है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बेल पत्ती धतूरा ले आके चढ़ा दे, भोले बाबा मगन है। जल के चढ़ाए ते जम लोक ते उबार दे, भोले बाबा जैसा उदार सरल सहज कोई दूसरा देवता नहीं है, आधी परिक्रमा में खुश है, उनकी आधी परिक्रमा करनी है। तो सेठ को सेठानी मिल गई मंदिर में विश्वास से। अगर आपका विश्वास अच्छा है, विश्वास है तो हर कंकड़ शंकर है, और विश्वास नहीं है तो शंकर भी कंकड़ है फिर।